अच्छा मुस्कान, इन रस्मों को ना घबरा कर नहीं करते हैं, मुस्कुरा कर करते हैं। और तुम्हारा तो नाम भी मुस्कान है, इसीलिए चेहरे पर से मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। मुस्कुरा तो ऐसी रही जैसे मानो टीचर ने होमवर्क दिया हो, और मुस्कुराना क्या बोले जा रहा है? ऐसी बात समझ में आती है? समझाना तो मुझे इस विधि के बारे में तुम दोनों को। अब तुम्हें सबसे पहले तो अपना हाथ आगे करना है, फिर मैं इन चावल को तुम्हारे हाथों में डालूंगी। तुझे इन चावलों को जमीन पे गिरने से बचाना है। जी वाह, कुछ दिन से यही कर रहे हैं, चीजों को बचा ही तो रहे हैं। नहीं मतलब हम कोशिश करेंगे कि चावल ना गिरे। और आपको जिन चावलों को रौनक नहीं बचा पाए उनको आपको चुनके अपने हाथों में रखना है। गायत्री जी, ये कैसी रस्म है? मैं नहीं उठाऊंगा ये चावल के दाने। उठाने तो होंगी, क्योंकि बेटा और बहू की तो जिम्मेदारी होती है चीजों को संभाल के रखना। लेकिन अगर वो ना संभाल पाए तो फिर वो जिम्मेदारी आती है घर के मुखिया की, जो कि आप हैं, तो आपको करना तो पड़ेगा। मुझे नहीं समझ में आती ऐसे बेतुकी रस्में गायत्री जी, ये हमसे ना होगा। वैसे भी मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता थोड़ी ना हूँ गायत्री जी। अगर किसी कारणवश अगर मेरे परिवार पे कोई विपदा आई तो मुझे मेरे परिवार को समेटना कैसे है, ये मैं भली बात ही जानता हूँ। ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये रस्म बेटा और बहू के लिए ना सही, आपको हमारे लिए तो करना ही होगा, वरना हमारे दिल को तसल्ली नहीं होगी। अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हैं आप, कोई चारा नहीं है, चलिए शुरू हो जाइए। शुरू करें। अरे आप खड़े क्यों हैं? उठाइए ना इन चावल के दानों को। इन चावल के दानों को उठाइए ना। जब चीजें बिखरने लगती है तो उस वक्त घर के मुखिया को आगे आना पड़ता है। चलिए माँ, हमें लगता है कि ये इस रस्म में ही प्रॉब्लम है, मिस्टेक है। नहीं वो क्या है कि घर के हेड को हेड लगाकर चीजें बिखेरनी नहीं देनी चाहिए, ये तो बटोरने बहुत मेहनत लग जाती है। आइडिया, क्यों ना ये सारा सारा चावल मुस्कान के आचरण में दे दीजिए। ये अच्छा आइडिया, क्यों? ये रस्म है, फैशन नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल दिया। जैसे बोल रहे हैं वैसे करो। अरे ऐसे रस्मों में परिवार की एकता नजर आती है।
अब ये रसोई छुअन की रस्म संपन्न हुई। अब रसोई की कढ़ाई चमचे तुम्हारे इंतजार कर रही है, और वो भी बेसब्री से। और तू जाकर ना ये थैली में डाल दे सारा, आप जाके मंदिर में दान कराइए ना। अच्छा जी, आ जा।